जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष निर्मला पासवान के नेतृत्व में किसान की जमीन पर हो रहे कब्जे को रोकने की मांग को लेकर एडिशनल कमिश्नर को ज्ञापन सौंपा, जिसके संबंध में कांग्रेस पार्टी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने बताया कि हरपुर बुधहट के ग्राम सभा गीदहा में रहने वाले किसान सोमनाथ गौड़ की 1 डिसमल जमीन है, उसी में वो खेती करके अपना जीवन यापन करते हैं, लेकिन कुछ दिन पहले ही वर्तमान ग्राम प्रधान द्वारा जबरदस्ती खड़ंजा लगवाया जा रहा है, जिससे किसान बहुत दुखी है, जिस पर रोक लगाने के लिए हमने ज्ञापन दिया है। इस अवसर पर धर्मराज चौहान, निजामुद्दीन खान, सुनीता देवी सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला कांग्रेस कमेटी की जिलाध्यक्ष निर्मला पासवान ने कहा, एक हरपुर बुधहट में ग्राम सभा गिदहा के सोमनाथ गौड़ हैं, जिनके पास सिर्फ 1 डिसमिल के लमसम जमीन है और उसी में वो खेती बाड़ी करके अपना जीते खाते हैं, लेकिन विगत दिनों कुछ दिन पहले ही उन्होंने उनके जमीन पर ग्राम प्रधान राजेंद्र बेलदार, पत्नी कुमारी देवी और ये सब मिल करके उनके जमीन पर जबरदस्ती खड़ंजा लगा रहे हैं मात्र 2 लोग के कारण। और ये प्रधान जो है गांव सभा में इतनी सड़कें जो बनवाई हैं जिसमें नहीं भी बनाया है, जिसमें सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, ऑलरेडी SDM साहब वहां जा करके प्रधान के ही पक्ष में बात कर रहे हैं और ये सरासर एक गरीब एक किसान को दबाया जा रहा है। और उस किसान में उस गरीब किसान का अगर जमीन पर न्याय नहीं मिलता है तो कांग्रेस पार्टी उस गरीब किसान के लिए सड़क पर उतरने का काम करेगी। इसमें लिप्त SDM साहब भी हैं, इसमें लिप्त वहाँ के लेखपाल भी हैं और ग्राम प्रधान गुंडाई के बल पर एक गरीब किसान के खेत में खड़ंजा निकलवा रहे हैं। उन्हें मिला कि इसको हम देखते हैं और एडिशनल कमिश्नर का भी हम सुन लिए हैं, उनका आश्वासन सुने हैं, उनके आश्वासन पर हम थोड़े देर धैर्य करेंगे, उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो यहीं पर हम सड़क पर बैठेंगे, सड़क जाम नहीं करेंगे लेकिन सड़क पर बैठ करके विरोध प्रदर्शन जरूर करेंगे।